Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 12, All the World is a Stage by William Shakespeare. All the world is a stage is an extended metaphor. Extended metaphor is a comparison which is carried out throughout the poem, which is in more than one line. जब कोई कंपैरिजन एक से ज़्यादा लाइन में हो, यूजुअली पूरी पोएम में थ्रू आउट द पोएम होते हो, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर. फॉर एग्जांपल, गुड टेंपर में गुड मैन और गुड ह्यूमन बीइंग्स को पूरी पोएम में कंपेयर किया गया था, तो वो एक एक्सटेंडेड मेटाफर था. इसी तरह इस पोएम में जो वर्ल्ड है, दुनिया है, इसको स्टेज के साथ कंपेयर किया गया है, इंसानों को कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किया गया है, और इसी तरह लाइफ को ड्रामा के साथ कंपेयर किया गया. और ये जो कंपैरिजन है, ये एक लाइन में नहीं है बल्कि थ्रू आउट द पोएम है, इसलिए ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है. पोएम स्टार्ट करते हैं. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वेमेन मेयरली मीन्स ओनली प्लेयर्स मीन करेक्टर्स दे हैव दियर एग्जिट्स. एग्जिट्स मीन बर्थ्स, स्टार्टिंग पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट्स. एंड एंट्रेंसेज मीन डेथ्स, एंडिंग पॉइंट्स. तो यहाँ पर एग्जिट्स और बर्थ के साथ और एंट्रेंस के जो है ये डेथ, तो एक मेटाफर हम कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कंपेरिजन है. आगे पढ़ते हैं. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. पार्ट्स मीन रोल्स. His acts being seven ages. Ages means stages. इंसान जो इतने भी है, चाहे मेल्स है फीमेल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स है. दुनिया एक स्टेज है, हर किसी की स्टार्टिंग पॉइंट्स है, एंडिंग पॉइंट्स है, हर किसी के अपनी रोल्स है, और टोटल रोल्स जो है वो सेवन है. यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच जो है ये एंड दोनों लाइन्स के स्टार्ट में रिपीट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एनाफोरा. एनाफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड आर एन एक्सप्रेशन इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ द डिफरेंट लाइंस ऑफ अ पोएम. डिफरेंट लाइंस के स्टार्ट में, पोएम की डिफरेंट लाइंस के स्टार्ट में कोई वर्ड या एक्सप्रेशन रिपीट, इसको हम कहते हैं एनाफोरा. जिस तरह इफ यू रिपीट हुआ था. आगे बढ़ते हैं पोएम. एट फर्स्ट द इन्फेंट मीन्स चाइल्ड. मेवलिंग मीन्स क्राइंग. अब क्राइंग हमारे हियरिंग को अपील कर रहा है, तो इमेजरी ऑफ हियरिंग यूज है. पोकिंग मीन्स वोमिटिंग इन द नर्सेज आर्म्स. फर्स्ट स्टेज क्या है, जब बच्चा छोटा हो, चाइल्ड हो, रो रहा होता है, क्राइंग कर रहा होता है और वोमिटिंग कर रहा होता है नर्स के आर्म्स में. देन द विनिंग मीन्स कंप्लेनिंग. शिकायत करता हुआ स्कूल जाता है. सेचल मीन्स स्कूल बैग. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक सिमिली यूज है. और इसी तरह यहाँ पर आइडिया कम्प्लीट नहीं है, अगले लाइन तक एक्सटेंडेड है, तो एंजेमेंट भी है. अनविलिंगली मीन्स रिलेक्टेंटली, ना चाहते हुए. फर्स्ट स्टेज में रो रहा होता है बच्चा, वोमिटिंग करता है नर्स के आर्म में. सेकेंड स्टेज में फिर कंप्लेन करता हुआ अपने स्कूल बैग के साथ, शाइनिंग मॉर्निंग फेस के साथ, बहुत स्लो स्पीड के साथ, स्नेल की तरह, ना चाहते हुए स्कूल जाता है. सेकेंड स्टेज. अब पढ़ते हैं थर्ड स्टेज. एंड देन द लवर साइंग मीन्स क्राइंग लाइक फर्नेस. अगेन सिमिली यूज है. विद अ वोफुल बैलेड. वोफुल मीन्स सैड. बैलेड मीन्स सॉन्ग. अच्छा, वोफुल बैलेड, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज है, ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द क्वालिटी द ट्रेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, I spent many sleepless hours. तो यहाँ पर जो sleepless है वो hours, घंटे नहीं थे बल्कि मैं sleepless था. ये quality I से transfer की गई है hours तक, तो इसको हम कहेंगे transferred epithet. He spent many crying hours. Crying वाली quality hours को spend की transfer किया, हालांकि वो crying कर रही थी, hours नहीं. या इसी तरह He spent many unhappy days. तो unhappy days, days नहीं unhappy थी, वो unhappy था. ये unhappy वाली quality जो है ये transferred की गई, इसको हम कहते हैं transferred epithet. तो यहाँ पर woeful, sad गाना नहीं था बल्कि वो sad था.
तो इससे बंदे से लॉर्ड से क्वालिटी ट्रांसफ़र की गई, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब यहाँ पर आईब्रो स्टैंड कर रहा है उसकी बिलावट की, मिस्ट्रेस मीन्स बिलावट, फुल एग्जिस्टेंस के लिए। तो आईब्रो बिलावट की, मिस्ट्रेस की पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर उसकी फुल एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं सिनेक्डकी। सिनेक्डकी इज़ व्हेन अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल और द होल रिप्रेजेंट्स अ पार्ट। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं हाथ मांगने आए हैं, तो इसका मतलब होता है रिश्ता पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली हेड, वी नीड 20 हेड्स फॉर दिस वर्क, तो यहाँ पर 20 हेड्स का मतलब है 20 मेन, 20 पीपल। तो हेड जो कि पार्ट है फुल एग्जिस्टेंस को, यहाँ पर इसी तरह आईब्रो उसकी फुल एग्जिस्टेंस को रेफर करता है। अच्छा, सेनेक्डकी के साथ एक रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो होता है मेटोनिमी। मेटोनिमी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द अदर थिंग दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इट। हम एक चीज़ को उससे क्लोजली रिलेटेड चीज़ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटोनिमी। फॉर एग्जाम्पल, क्राउन किंग या क्वीन के लिए जब स्टैंड करें तो ये मेटोनिमी होगा, ये सिनेक्डकी नहीं होगा, क्योंकि क्राउन किंग या क्वीन की पार्ट नहीं है बल्कि उससे रिलेटेड है। इसी तरह अगर बेंच जजेस को रिप्रेजेंट करें तो बेंच, फॉर एग्जाम्पल द बेंच डिसाइडेड इन हिज फेवर, तो यहाँ पर बेंच जज को रेफर कर रहा है, तो जज की पार्ट नहीं है बल्कि उससे ये रिलेटेड है, तो ये मेटोनिमी होगा, ये सिनेक्डकी नहीं होगी। इसी तरह पेन एजुकेशन के लिए स्टैंड करे तो अगेन ये मेटोनिमी होगा, सिनेक्डकी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट होल रिलेशन नहीं है बल्कि क्लोजली रिलेटेड थिंग के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेज में लावर की तरह, लावर होता है एक इंसान क्राइंग करता है फर्नेस की तरह, फर्नेस मीन फायर प्लेस, सैडफुल या सोरोफुल गाने गाता है और अपने मिस्ट्रेस की आईब्रो, मतलब फुल एग्जिस्टेंस ऑफ मिस्ट्रेस बिलावेड के लिए उसकी ये सॉन्ग्स होती है। देन फोर्थ स्टेज क्या होता है, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स मीन प्रोमिसेस, एंड बियर्डेड लाइक द पॉड, पॉड मीन लेपर्ड, अगेन सिमिली, जेलस एंड ऑनर मीन कॉन्शियस अबाउट हिज ऑनर, सडन एंड क्विक इनक्वायर मीन फाइट, हर वक्त जंग के लिए तैयार होता है, सीकिंग द बबल रिपुटेशन, रिपुटेशन मीन फेम, शोहरत, बबल मीन्स हालो, शेलो, चीट, फ्रॉड, मतलब जिस फेक हो, ऑथेंटिक ना हो, इवन इन द कैनन्स, कैनन्स इज अ लार्ज गन माउथ। तो फिर जब वो सोल्जर होता है वो मुख्तलिफ प्रोमिस से भरा हुआ होता है, मतलब वो बार बार प्रोमिस, ड्रीम्स, डिज़ायर उसके ज़्यादा होते हैं, बियर्ड उसकी लेपर्ड की तरह होती है, अपने शोहरत, अपने इज्जत रिस्पेक्ट के बारे में बहुत कॉन्शियस होता है, जंग के लिए तैयार होता है, और उसका मकसद है कि रिपुटेशन, फेम, शोहरत के पीछे भागता है, लेकिन वो जो शोहरत होती है वो फेक होती है, ऑथेंटिक नहीं होती, और इवन वो फाइट के लिए इस हद तक भी जाता है कि कैनन लार्ज गन की मुंह में हाथ डालने के लिए भी तैयार होता है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं वो हाइपरबली, जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करें, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया गया है तो हाइपरबली है। उसके बाद एंड देन द जस्टिस, अच्छा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच अगेन मेटोनमी है, जस्टिस यहाँ पर जज को रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज़ अ मेटोनमी नॉट सिनेक्डकी, क्योंकि जस्टिस जज की पार्ट नहीं है बल्कि उससे रिलेटेड है। एंड फेयर राउंड बेली मीन्स एब्डोमिन पेट, विद गुड कैपन मीन्स चिकन, लाइन मीन फुल फिल्ड। फिर जब वो जज बनता है फिफ्थ स्टेज में, तो उसकी मतलब फिजिकल अपियरेंस जो है वो बढ़ जाती है, साइज वेट बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छी खुराक उसको मिलती है। विद आई सिवियर, सिवियर मीन हार्श, उसकी आंखों में रोब दबदबा, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फॉर्मल कट मीन्स एडवांस्ड, फुल ऑफ वाइज मीन क्लेवर, साज मीन स्टेटमेंट्स, रिमार्क्स इन मॉडर्न इंस्टेंसेस मीन एग्जाम्पल्स। तो जब वो जज बनता है, उसकी अपियरेंस में, रोब, उसकी आवाज़ में, उसकी आइज़ में,
और उसका जो उसकी जो दाढ़ी की स्टाइल होती है वो एडवांस होती है। इस तरह उसकी जो उसकी जो रिमार्क्स होती है वो भी मॉडर्न होती है। तो इस स्टेज में फिर उसका एक रोप डब्बा मतलब एक इमेज बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो टू लाइंस है, ये टू लाइंस जो है इसमें फॉर्मल कट या पर सिंबॉलिज्म यूज्ड है। सिंबॉलिज्म बल्कि ये वन लाइन में ही हम कह सकते हैं सिंबॉलिज्म, जिस तरह मैंने लास्ट भी कहता है, व्हेन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। फॉर्मल कट बियर्ड जो है ये कंक्रीट है, यहाँ पर ये ऑर्बन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बन लाइफ एब्स्ट्रैक्ट है तो ये सिंबॉलिज्म होगा। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। इसी तरह ये पार्ट पांच फिफ्थ स्टेज जो है जज होता है तो इसको भी वो परफॉर्म करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन, लीन मीन 10 एंड स्लिपर्ड मीन्स इन इनडोर ड्रेस, इनडोर ड्रेस पहनता हुआ। पेंटलून मीन ओल्ड फनी पर्सन, ओल्ड फनी मैन, एक ओल्ड फनी मैन की तरह होता है। विथ स्पेक्टिकल्स ग्लासेस पहने हुए ऑन नोज एंड पाउच, पाउच मीन्स बैग। ऑन साइड हैज यूथफुल हूज, हूज मीन्स ट्राउजर। वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हैज श्रंक शेंक, श्रंक मीन्स वीगन वीक, शेंक मीन्स लेग मीट। एंड हैज बिग मेनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, ट्रेबल मीन्स हाई पार्ट ऑफ म्यूजिक। पाइप्स एंड विसल्स, विसल्स जो सीटी बजाने वाली आवाज़ होती है, इन हैज साउंड। अब क्या होता है, सिक्स स्टेज जो है उसमें वो एक टेन पर्सन और ओल्ड पर्सन जो कि इंडोर ड्रेस पहनता हुआ होता है, स्पेक्टिकल्स होते हैं उसकी नोज़ पे, उसकी साइड पे बैग पड़ा हुआ होता है मेडिसिन के लिए, उसकी जो ट्राउज़र होती है जो किसी ज़माने में उसकी जवानी में उसके लिए लूज थी, अब उसके लिए वो नहीं, जो किसी ज़माने में उसके लिए टाइट थी अब उसके लिए लूज़ है क्योंकि अब उसकी साइज़ वेट जो है वो कम हो गई है। फिर उसकी जो आवाज़ है वो भी चेंज हो जाती है, इसमें रोप दबदबा था अब वो ऐसी होती है जो उसकी सीटी से निकलती है, मतलब बच्चों की तरह उसकी आवाज़ दोबारा हो जाती है। अच्छा, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज है, एक तो ये है यूथफुल हूज, तो ये इलिट्रेशन है। ओ साउंड कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड रिपीटेड है तो एजुनेंस है। इसके अलावा श्रंग शेंग यहाँ पर जो शा साउंड रिपीटेड है तो ये कॉन्सोनेंट से इलिट्रेशन की ये भी टाइप, ऊपर वाला एजुनेंस ये वाला कॉन्सोनेंट। अच्छा, यहाँ पर शेंग का असल में मतलब है मीट गोश्त, लेकिन यहाँ पर ये लेग को रिप्रेजेंट करता है, अब ये सिंटैक्टिकी होगा क्योंकि मीट लेग की पार्ट है तो पार्ट होल रिलेशन है तो ये सिंटैक्टिकी होगा। इसके अलावा फिर ये जो पाइप्स ट्रेम्बल विसल है ये ओनोमेटोपोया है। ओनोमेटोपोया जब कोई साउंड और उसकी वर्ड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो, जिस तरह गा 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 स्क्विश स्प्लैश, मतलब जो वर्ल्ड जिस साउंड को रिप्रेजेंट करता है वो दोनों सेम हो, जिस तरह वर्ल्ड होता साउंड होता है उसी तरह का वर्ल्ड उसको रिप्रेजेंट करता है, इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच हम कहते हैं ओनोमेटोपोया। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है अब, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इवेंटफुल मीन्स फुल ऑफ इवेंट्स। ए सेकंड चाइल्डिश नेम इन मेयर मीन्स ओनली, ओब्लिवियन मीन नेग्लिजेंस फॉरगेटफुलनेस। सेंस टीथ, सेंस मीन विदाउट, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। आखिरी स्टेज में फिर जिससे ये पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, दोबारा से उसकी चाइल्डिनेस, जब उसको सारी चीज़ों से लापरवाही होती है, फॉरगेटफुलनेस ओब्लिवियन नेग्लिजेंस अनअवेयरनेस, और न उसकी दांत न आइज न टेस्ट न सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कंजंक्शन रिक्वायर्ड है लेकिन यूज़ नहीं हुआ, जो मैंने प्रीवियसली भी बताया था, इसको हम कहते हैं एसाइडेटन।
और जब कंजंक्शन एक रिक्वायर्ड हो, हम ज़्यादा यूज करें, तो इसको हम कहेंगे पॉलीसाइड्रिन। लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड था, यूज़ नहीं हुआ, तो ये होगा ए साइंटेटन। तो इंसान को कंपेयर किया गया है यहाँ पर कैरेक्टर्स के साथ, इसी तरह वर्ल्ड को स्टेज के साथ, और जो लाइफ है उसको ड्रामा के साथ कंपेयर की गया। फिर वो हर एक इंसान की लाइफ की 7 स्टेजेस की बात है। पहले स्टेज में वो बच्चा होता है, रो रहा होता है, वोमिटिंग करता है नर्स के आर्म्स में। फिर स्कूल जाता है तो क्राइंग करता है, अपना बैग लेके ना चाहते हुए स्नेल की तरह जाता है। फिर लाहौर की तरह लाहौर होता है तो फर्नेस की तरह, फायर फ्लेस की तरह रोता है, आवाज़ें सेटफुल गाने गाता है अपनी मिस्ट्रेस के लिए। सोल्जर होता है, बहुत सारे उसकी प्रोमिसज होती है अपनी रिस्पेक्ट के बारे में, कॉन्शियस होता है, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार होता है, बियर्ड होती है उसकी लेपर्ड की तरह, इवन वो तोप की मुंह में हाथ डालने के लिए भी तैयार होता है, और वो रिपुटेशन की सर्च में होता है, लेकिन वो रिपुटेशन जो है वो फेक होती है। फिर फोर्थ स्टेज में वो नहीं, फिफ्थ स्टेज में जाके वो जज होता है, उसकी एक रोब होती है पर मतलब एक दबदबा होता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी आ जाती है। सिक्स स्टेज में दोबारा से वो फिर एक वीक पर्सन ओल्ड एज में, तो इंडोर ड्रेस पहने हुए, किसी ज़माने में उसकी जो ड्रेस लूज थी अब उसके लिए टाइट थी, अब उसके लिए लूज है। स्पेक्टिकल्स पड़े हुए थे उसके पास नोज पर, साइड में बैग मेडिसिन के लिए। उसकी लेग्स भी वीक हो जाती है, आवाज़ में रोप दबदबा ख़त्म हो जाता है। और आखिरी स्टेज में फिर उस जिससे ये सारी कहानी ख़त्म होती है, बिल्कुल गफलत होती है, उसे कोई किसी चीज़ का नहीं पता होता, ना उसके दांत होते हैं, ना आइज़ होते हैं, ना टेस्ट नहीं होती। अब यहाँ पर ये जनरल बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अपनी लाइफ में इन तमाम स्टेज से गुजरे, लेकिन ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। ओवरऑल मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हर एक बंदे की लाइफ में ये 7 स्टेजेस ऐसी ही होंगे, ज़रूरी नहीं है, जनरलाइजेशन हम थ्रू आउट नहीं कर सकते।